स्टूडेंट्स, आज आपको फिनॉल टॉपिक बताएंगे जिसमें हम लोग लेंगे क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की क्रिया हम NaOH से करवाएंगे डाउ क्रिया द्वारा। यहाँ पर क्या होने वाला है, ClOH के द्वारा प्रतिस्थापित होगा और यहाँ पर OH आ जाएगा, बन जाएगा C6H5OH प्लस NaCl। अगर हम बात करें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के द्वारा, तो हम लोग क्या करेंगे, C6H5N2Cl बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेंगे, उसकी क्रिया वाटर से करवाएंगे और ये HCl के रूप में HCl प्रतिस्थापित होगा। 30 डिग्री सेल्सियस पर नाइट्रोजन गैस भी निकल जाएगी। यहाँ पर OH परमाणु फेनिल समूह के साथ में जुड़ करके C6H5OH फिनॉल का निर्माण करता है। ये इसके निर्माण की दो मुख्य विधियां हैं। अगर हम बात करें इसके बाद में भौतिक गुणों की, तो भौतिक गुण आपको हम ऐसे ही बता देंगे। भौतिक गुण नंबर एक, जैसे आप बोल सकते हो कि यह रंगीन क्रिस्टलीय ठोस है। और इसके बाद में हम इसकी बात करें इसके गलनांक की, तो इसका गलनांक 42 डिग्री सेल्सियस होता है, 42 डिग्री सेल्सियस होता है और क्वथनांक लगभग 182 डिग्री सेल्सियस होता है। और यह जल में अल्प विलेय किंतु कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। अब हम आपको ऊपर से जो है रासायनिक गुण बताते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपकी दहन अभिक्रिया रासायनिक गुण में हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक है आपका फिनॉल, फिनॉल लेंगे C6H5OH और इसका हम दहन करवाएंगे ऑक्सीजन के द्वारा। इसका कॉन्सेप्ट है, अगर दहन करते हैं तो निश्चित रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। बैलेंसिंग आपके हाथ में है, या 6 है परमाणु कार्बन का, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन 6 हो रहा है 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, या 6 × 12 = 15 हो रहे हैं, या 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 14 = 15 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। अगर हम अपचयन की बात करें तो हम लोग लेंगे C6H5OH और अपचयन इसका मान लो 2S से करवा दिया मैंने, यहाँ पर क्या होगा, H2O निकल जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा बेंजीन C6H6+H2O। इस तरीके से इसका अपचयन करा सकते हैं। यदि हम बात करें सोडियम से क्रिया की, तो सोडियम से क्रिया जैसे अल्कोहल की रिएक्शन मैंने करवा रखी है पिछले उसमें वीडियो में, आप उसमें देख सकते हो सेम टू सेम यहाँ पे भी रिएक्शन होनी है। यहाँ पर C6H5OH होगा, फिनॉल होगा और उसकी क्रिया हम जब सोडियम से करवाएंगे तो ये सोडियम इसके हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर देगा, यहां से H निकल जाएगा, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बनेगा 2C6H5O यानी प्लस H2। इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, जैसे सोडियम मेथॉक्साइड था, सोडियम इथॉक्साइड था, जस्ट लाइक यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण हुआ। यदि हम इसके बाद में NaOH से रिएक्शन की बात करें, तो NaOH से भी क्रिया इसी तरीके से हो सकती है। हम लोग क्या करेंगे NaOH से रिएक्शन में, हम लोग फिनॉल लेंगे और फिनॉल की क्रिया NaOH से करवाएंगे C6H5OH प्लस NaOH, यहाँ पर H2O निकल जाएगा, फिर से सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण होगा C6H5ONa+H2O। इस तरीके से आपकी क्रिया NaOH से हो गई। अगली रिएक्शन में आपको स्टूडेंट्स, ये आपकी PCl3 से क्रिया है, यहाँ आप लोग लेंगे फिनॉल C6H5OH प्लस PCl3। PCl3 का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है आपको, यहाँ से H3PO3 निकलना है, H3O3 की वजह से यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3C6H5 3Cl मिलकर बनेगा 3C6H5Cl। इसी तरीके PCl5 से रिएक्शन की बात करें, तो यहाँ पर हम फिनॉल लेंगे C6H5OH प्लस PCl5, यहाँ पर प्रोडक्ट 100% निकलने वाला है PuCl3 प्लस H और Cl मिलके HCl, तो बचेगा क्या C6H5Cl, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। इस तरीके से PCl3 और PCl5 से रिएक्शन होगी। अब हम आपको नाइट्रीकरण अभिक्रिया बताते हैं। स्टूडेंट्स, ये नाइट्रिकरण अभिक्रिया, यहाँ पर फिनॉल लेंगे नाइट्रिक अम्ल से, तरल नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन कराएंगे जब, तो यहाँ पर आर्थिक रूप से H और OH परमाणु, यहाँ पर HNO3 का जो रियल रूप होता है वो होता है OH और NO2, यहाँ से H और OH परमाणु H2O बना लेगा, यहाँ पर NO2 लग जाएगा कि आर्थो नाइट्रो फिनॉल बन जाएगा। अगर हम शांत नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन करवाएं तो शांत नाइट्रिक अम्ल क्या करेगा, इसके आर्थो, दोनों आर्थो ग्रुप में और पैरा ग्रुप में NO2 लग जाएगा और इसका नाम हो जाएगा 2, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब छठवें में आ रहा है, दूसरे में आ रहा है, चौथे में आ रहा है, इसका नाम होगा 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। इस तरीके से हम इसका निर्माण करते हैं, जिसको हम पिक्रिक अम्ल भी बोलते हैं। ओके, तो स्टूडेंट बाकी के जो है रासायनिक गुण आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। आज के लिए इतना ही, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।